हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गुरु। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से नए टॉपिक लेकर आया हूं मैं ग्लाइकोलाइसिस मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्कस करूंगा। उसके पहले आपको सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है वो समझना जरूरी है। यार देखो, मैं नहीं बोलता चैनल को सब्सक्राइब करो, आप एक बार मेरे चैनल को जाके अंदर विजिट करो। पूरे मेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, फार्मेसी हो, फिजियोथेरेपी, किसी फील्ड से बिलोंग करते हो, सारे टॉपिक सीक्वेंशली डले हुए हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश में मैं यहाँ पे समझाता हूँ, नोट्स भी देता हूँ आपको, मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। यार ध्यान से समझना आज का टॉपिक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, क्या ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कैसे चलती है, पूरी साइकिल डिस्कस करूँगा। पर बिफोर स्टार्टिंग उसका इंट्रोडक्शन समझो, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। समझना सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सेलुलर रेस्पायरेशन। देखो सेलुलर रेस्पायरेशन मतलब जैसे कि हम सांस लेते है, उसी प्रकार से हमारी कोशिका भी सांस लेती है, इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सिंपली सेलुलर रेस्पिरेशन मींस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू एटीपी इनसाइड ऑफ सेल। बोलना चाह रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि कोशिका के अंदर होती है, कोशिका के अंदर होती है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट का विघटन होकर एटीपी का निर्माण होता है। सिंपल बात बोली कि ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा और टूट के आपका एनर्जी बनेगी, इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसके लिए ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। मैं आपको बताऊंगा, पूरी चीज क्लियर करूंगा ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है। देखो बेसिक इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। मैं बिल्कुल आपको बोलूँगा नहीं कि मैं ट्रिक से रटवा दूंगा, कि माइंड मेरा इतना वादा है कि आपके माइंड में चीज़ें फिक्स जरूर मैं करवा दूंगा। ये पॉइंट फोकस करो आप, यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको थोड़ा सा आप जूम करते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको जूम करके बताता हूँ थोड़ा सा। देखो मैंने बोला है C6H12O6, ये क्या लिखा हुआ है, C6H12O6 में जब ऑक्सीकरण होगा, यानी कि जब हम ग्लूकोज खाएंगे उसका ऑक्सीडेशन होगा, देन उस कंडीशन में क्या होता है, आपका यहाँ पे जो दिख रहा है CO2 बनेगी, हाइड्रो H2O भी बनेगा। देखो हम करते हैं तब लिखते हैं, तो हम जब रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को तो थोड़ी नमी भी उसमें उपस्थित रहती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, थोड़ी सी नमी भी रहती है तो H2O निकलेगा और एनर्जी बनेगी। ये ग्लूकोज का ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, जो कि हम बाहर निकाल देते हैं। कैसे, बस ये प्रोसेस में ही ग्लाइकोलाइसिस चली। अब अंदर सेल के अंदर क्या हुआ वो जानते, तो आगे बढ़ूँ मैं यहाँ से आपको, ठीक है। अब देखो आप, टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक होती है एरोबिक कंडीशन, एक होती है एनारोबिक कंडीशन। फिर से रिपीट करता हूँ, एरोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन। देखो एरोबिक मतलब ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए। दो तरह की प्रोसेस है, समझना अच्छे से समझना। देखो आप प्लीज़ यार स्किप मत करना वीडियो को, मुझे पता है आप सभी यहाँ ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने आए हो, मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस ही पढ़ाऊँगा, और प्लीज़ ट्रस्ट में मेरे पर यकीन करो, एक एक पॉइंट में समझाऊँगा मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस, पूरी साइकिल समझाऊँगा। पर पहले समझ लो यार कि एक्चुअल में है क्या ग्लाइकोलाइसिस, प्लीज़ यार थोड़ा सा मुझे 5 मिनट दे दो आपके, मैं पूरा फोकस करूँगा। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो एरोबिक का मतलब क्या होता है, इन दिस टाइप नीड ऑक्सीजन, पॉइंट फोकस करो, नीड ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी 36 ATP अणु एंड प्रोडक्ट इज पाइरुविक एसिड। बोलना चाह रहा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया है, इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बनती है और 36 ATP अंत में पाइरुविक एसिड बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी साइकिल है जिसमें सिंपली हमारा क्या बन रहा है, 36 ATP रिलीज करा, एरोबिक हुआ, ऑक्सीजन मिली तो 36 ATP बने, एनर्जी मिली एक ग्लूकोज से 36 ATP मिले हमें, और अंत में पाइरुविक एसिड बना, एंड में जाके पाइरुवेट बनेगा। क्लियर, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में। पर क्या हो कि मैं रनिंग कर रहा हूँ और मेरी पैरों की मसल्स को, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे माउथ की मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मुँह की सेल जो कोशिका है उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, पर क्या हो कि मैं सांस कम लूँ, क्या हो कि वहाँ पर ऑक्सीजन कम पहुँचे, तब ये होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये ग्लाइकोलाइसिस में ही चलता है, नीचे जाके मैं क्लियर करूंगा आपको। दिस प्रोसेस ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फोकस करो, एब्सेंस मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तब
एड प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट बनेगा लेस एनर्जी, एक से दो ही एटीपी मिले, यहाँ पे कितने मिले 36 एटीपी मिले और यहाँ पे दो ही एटीपी मिले। एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड क्या लास्ट में क्या जाके बनेगा भैया, लैक्टिक एसिड, ये पॉइंट फोकस करो, लैक्टिक अम्ल बन रहा है, ऊपर क्या बना था पाइरुविक एसिड, 36 एटीपी, ये रहा 36 एटीपी और यहाँ पे 102 एटीपी। तो याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भैया दो पॉइंट है, एक तो सेल्यूलर रेस्पायरेशन ऐसी प्रक्रिया जो कि हमारी कोशिका सांस लेती है और ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों ग्लाइकोलाइसिस चलती है। आप फोकस करता हूँ ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर आओ। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस क्या होती, ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब हो रहा है वो समझो। देखो इसकी डिस्कवरी पूछते भैया किसने खोज करी, इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय ई एम्बेंड मेयरहॉफ, ये साइंटिस्ट थे दो, एक तो ई एम पी पाथवे भी इसे कहते, समझो बात को। ग्लाइकोलाइसिस की खोज सर्वप्रथम एम्बेंड मेयरहॉफ, इसीलिए इसे इनके नाम से भी जाना जाता है, ई एम पी पाथवे, हम इसे ई एम पी पाथवे भी कहते हैं। ई एम पी पाथवे क्यों कह रहे हैं, इसको ई एम पी पाथवे कहने का मतलब ये है क्योंकि दो साइंटिस्ट थे एम्बेंड मेयरहॉफ, एम्बेंड मेयरहॉफ, तो दोनों साइंटिस्टों के नाम पे मैंने रख दिया ई एम पी पाथवे। तो कन्फ्यूज मत होना भैया, ई एम पी के नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, अब नेक्स्ट लाइन समझना यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस इज अ फर्स्ट मेटाबोलिक स्टेप, फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट प्रथम प्रक्रिया, मेटाबॉलिक स्टेप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कनेक्टेड नहीं है, इज ब्रेकन डाउन इनटू पाइरुवेट, लैक्टिक एसिड एंड प्रोड्यूस एटीपी। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, तो समझ जा। देखो मैं बोलना चाहता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट के टूटने की प्रथम प्रक्रिया होती है, इसमें ग्लूकोज की ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूट कर पाइरुविक एसिड में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। देखो यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, इसको सिंपली फोकस करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ऊपर देखो, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, ये रहा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज से टूटकर लास्ट में क्या बना, सिंपली देखो यहाँ पे फोकस करना नीचे की ओर, ये रहा आपका पाइरुवेट, तो ग्लूकोज टूटकर पाइरुवेट बनेगा, समझो ग्लूकोज का एक अणु टूटकर लास्ट में जाके आपका पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड बनता है। यह कार्बोहाइड्रेट की पहले चरण पहली प्रक्रिया होती है मेटाबॉलिज्म की, याद रखना, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको आप यहां से नोट्स भी बनाते रहो, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से अब, ठीक है। अब देखो हम लोग को समझना एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस में और क्या है, ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी ग्लाइकोलाइसिस चलेगी, ना कि सेल के बाहर, समझना, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर चलती है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलती है, कोशिका के साइटोप्लाज्म, मीन्स साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट इन 10 स्टेप एंड मेनी एंजाइम्स वर्क, ठीक है। बोलना चाह रहा है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कंप्लीट होती है 10 स्टेप में कंप्लीट होती है और मेनी एंजाइम, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस 10 चरणों में पूरी होती है, इसमें कई एंजाइम्स भी कार्य करते हैं। देखो ये रहा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, तो ये फॉस्फेटेज, हेक्सोकाइनेज, एल्डोज, ये समझाऊंगा पूरी, वेट करो अभी। बट इनको होने में बीच बीच में बहुत सारे एंजाइम्स ने काम किया, कितनी स्टेप है 10, कौन कौन सी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टेप। आपको समझना, मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला, मैं आपको रटवाने वाला नहीं हूँ, पर मैं आपको इसको आपके दिमाग के अंदर प्लेस कर दूंगा। प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते चलो, पेन कॉपी साथ में रखा करो मेरी वीडियो पढ़ने से पहले, ठीक है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लो गाइस। ग्लूकोज रिएक्ट नहीं थे, ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं अब आगे। देखो ग्लूकोज रिएक्ट विद हेक्सोका, देखो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, 10 प्रोसेस 10 चरणों में कंप्लीट हो रही है, 10 स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट, देखो ग्लूकोज रिएक्ट विद हेक्सोकाइनेज बाय यूजिंग एटीपी एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देखो समझना,
सबसे पहले हमारे अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने क्या करा, हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम होता है, देखो जहाँ अब इस पूरी ग्लाइकोलाइसिस में काइनेज नाम का एक एंजाइम यूज़ होगा, और जहाँ पे काइनेज नाम का शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, काइनेज जब एंजाइम यूज़ होगा तो काइनेज में एटीपी टूटेगी या बनेगी, जहाँ पे काइनेज होगा मतलब ऊर्जा का या तो नष्ट होगी या ऊर्जा बनेगी। याद रखना हमारे शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो क्या हो रहा, पहले चरण में ग्लूकोज ने रिएक्शन करी हेक्सोकाइनेज से और यूजिंग एटीपी भी इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हेक्सोकाइनेज है तो एटीपी का ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। देखो ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज से क्रिया करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, इसमें ऊर्जा खत्म होती है एटीपी का इस्तेमाल। देखो मुझे ऊर्जा बनाने के लिए मेरी सेल को पहले ऊर्जा त्यागनी पड़ेगी, ठीक है समझो बात को, मुझे खाना बनाना है तो खाना बनाने के पहले मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इसी टाइप से ऊर्जा बनाने के लिए भी ऊर्जा खर्च होती है, याद रखना। तो देखो ये रहा ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, किसकी प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज, और जहाँ जहाँ काइनेस एंजाइम इस्तेमाल होगा वहाँ वहाँ एटीपी से एडीपी बनेगी या एडीपी से एटीपी, या तो ऊर्जा बनेगी या ऊर्जा नष्ट होगी, काइनेस जहाँ जहाँ काइनेस है। साइकिल देख लो, ये रहा आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ठीक है इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं गाइस, इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, वन मिनट, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आप लोग, ये रहा आपको, अगर आपको ऊपर क्लियरली इसको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना किसकी प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज की में, एटीपी से एडीपी बना, ग्लूकोज से हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम होता है, काइनेज मतलब क्या होता है, ऊर्जा का या तो खत्म होना या ऊर्जा का बनना, क्लियर हुआ। तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहली स्टेप है, मैं सबके स्क्रीनशॉट दिलाऊंगा, एक एक नोट्स दूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब स्टेप टू, अब स्टेप टू में क्या होगा वो समझो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगेन रिएक्ट विथ फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज एंड कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। समझो 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 प्लीज पॉइंट को समझो, देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसने अगेन पुनः रिएक्शन करी, किससे करी, रिएक्ट विथ फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, ये कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो जहाँ जहाँ आइसोमेरेस, लिख लो ना बाबा एक एक एंजाइम्स लिख लो, नाम लिख लो एक एक एंजाइम्स के, आप मैंने बोला है आइसोमेरेस, आइसोमेरेस मतलब वो क्या होता है अपने फंक्शनल ग्रुप, मेरी कार्बोहाइड्रेट की वीडियो देखो आपको समझ में आएगी थोड़ा सा। आइसोमेरेस ऐसा एंजाइम होता है जो कि उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करता पर उसके नाम बदल देता है, क्योंकि इसमें एल्डो जो कीटोन जो समूह है वो चेंज कर, कीटोन जोड़ देगा और एल्डोस हटा देगा, कार्बोहाइड्रेट देखो समझ में आएगा। तो आइसोमेरेस उसकी प्रकृति चेंज कर देगा, ठीक है ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदल देगा, जबकि ग्लूकोज का भी C6H12O6 फॉर्मूला होता है, फ्रक्टोज का भी, पर फ्रक्टोज जो है ना नेचुरल शुगर है जो कि फ्रूट के अंदर पाई जाती है, क्लियर है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज से क्रिया करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, ये रहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, आइसोमेरेज मतलब कॉपी बना देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है मिरर कॉपी होती है, एक जैसा होता है, कोई चेंजेस नहीं होता, दोनों के सूत्र एक है C6H12O6। तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, हमारे पहली स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, किसकी प्रेजेंस में बना था, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम होता है, ये एटीपी से जहां जहां काइनेज है वहां वहां एटीपी में परिवर्तन होगा, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो ये बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, फॉस्फेट को रिमूव, ग्लूकोज ग्लूकोज को आइसोमेराइज कर देगा, आइसोमेराइजेशन का मतलब होता है भैया कि आइसोमर बना लिया उसने। तो स्टेप कंप्लीट हुई, पहली ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर स्टेप 2 पे जाऊंगा मैं।
यार प्लीज़ यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते चलो यार, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। स्टेप थ्री, थ्री स्टेप में क्या होता है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट रिएक्ट। अब जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना है ना हमारा, ये बोल रहा है रिएक्ट करेगा किससे, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज। याद रहा काइनेज, काइनेज का मतलब क्या होता है, वो एटीपी या तो बनेगी या टूटेगी। समझ में आ रहा है, या तो एटीपी बनेगी या टूटेगी। तो याद रखो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट रिएक्ट करता है फॉस्फोज फ्रक्टोज आइसोकाइनेज सॉरी काइनेज से एंड कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फिर से पुनः फ्रक्टोज काइनेज से रिएक्शन करता है, क्रिया करता है और फ्रक्टोज 6-बिस्फॉस्फेट में बदल जाता है। देखो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट ने रिएक्शन करी तो फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज से, और काइनेज से रिएक्शन करी तो फॉस्फो 1,6-बिस्फॉस्फेट बना एटीपी से एटीपी। पहले भी एटीपी नष्ट हुई थी, ऊर्जा नष्ट हुई थी, और अभी भी हमारी ऊर्जा नष्ट हुई, अभी ऊर्जा बनी नहीं है, अभी ऊर्जा बनेगी, अभी बनी नहीं है आपकी ऊर्जा, ठीक है। इसका भी स्टेप ये यहाँ पे एक बार देख लो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाया था हमने, फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनाया था हमने, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से हमने फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट बना दिया फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज की प्रेजेंस में। यहाँ पे एटीपी से एडीपी बनी होती है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग जल्दी जल्दी। स्टेप थ्री कंप्लीट हो चुकी है, आगे बढ़ता हूं। अब देखो चौथी स्टेप में, देखो अब हमारी तीन स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। चौथी स्टेप फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट जो बनाता ना फिर से रिएक्ट करता है एल्डोज से, और एल्डोज ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट। जो आपका फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट था ना, इसको जो एल्डोज जो एंजाइम है ना, ये दो भागों में तोड़ देगा। कौन कौन से, ग्लिसरेल्डिहाइड में और डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। हिंदी में पढ़ता हूँ, क्या है, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट जब एल्डोज से क्रिया करता है, एल्डोज ये एंजाइम एल्डोज से क्रिया करता है, तो यह इसको दो भागों में तोड़ देता है, ग्लिसरेल्डिहाइड और डिहाइड्री ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। देखो ये रहा आपका फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट, इसमें कौन से एंजाइम ने काम करा, एल्डोलेज ने। एल्डोलेज एक एंजाइम होता है जो कि दो भागों में तोड़ देता है किसको, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट को। कौन कौन से में, GLAP का फुल फॉर्म वही अभी जो बताया, ग्लिसरेल्डिहाइड, और DHAP का होता है डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे भी देख लो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना था वन स्टेप में, स्टेप टू में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना था, फिर फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट बना था। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट है ना, ये आपका ग्लिसरेल्डिहाइड और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एल्डोलेस एंजाइम की प्रेजेंस में दो भागों में टूट गया। दो भागों में टूट के ये दो भागों, अब आगे की प्रोसेस बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी याद रखना। ये भी कभी कभी यहां से पूछा जाता है कि एल्डोलेज एक एंजाइम है, ये क्या करता है, ये ब्रोकन का तोड़ने का काम करता है दो भागों में, किसको तोड़ता है, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट को, ग्लिसरेल्डिहाइड और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में उसको तोड़ देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यार नोट्स तो आपको मिलते ही जा रहे हैं सारे, ठीक है, यहाँ से आप लोग नोट्स इजीली लिख सकते हो स्क्रीनशॉट से, ठीक है ना। अब स्टेप पाँच, ग्लिसरेल्डिहाइड, अब दो भागों में टूटा था, ग्लिसरेल्डिहाइड और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ग्लिसरेल्डिहाइड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अगेन रिएक्ट, पुनः रिएक्शन करता है किससे, ग्लिसरेल्डिहाइड हाइड्रोजिनेस हाइड्रोजिनेस एंड कन्वर्ट इंटू 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट। समझो बात को, समझो हिंदी में रिपीट करता हूँ, जो ग्लिसरेल्डिहाइड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था पहले, यहाँ पे हमारा ये दोनों भाग, ये फिर से एक एंजाइम से रिएक्शन करते, कौन से ग्लिसरेल्डिहाइड हाइड्रोजिनेस। देखो दो चीज़ होती है, एक होता है डिहाइड्रेशन, एक होता है हाइड्रेशन, हाइड्रेट करना। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है वो समझो, हाइड्रेट का मतलब पानी दे देना। यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन का अणु आके ऐड हो जाएगा, यानी कि पानी ऐड होगा,
जब पानी एड होगा तो ये जो ग्लिसरेल्डिहाइड या डिहाइड्रोक्सीसिटोन फॉस्फेट दो भाग बने थे ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, 1,3-bisphosphoglycerate, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो। ग्लिसरेल्डिहाइड डिहाइड्रोक्सीसिटोन फॉस्फेट थे, किसने रिएक्शन करी थी, इससे रिएक्शन करी थी ग्लिसरेल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज, हाइड्रो मतलब यहाँ पानी आया है, पानी आया ना, तो 1,3-bisphosphoglycerate तो किसकी प्रेजेंस में हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे एनर्जी बनी हमारी एनएडी एनएडीएच में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एनएडी प्लस 2P, यहाँ पे 2NADH हमारा बना है, ये चीज भी याद रखना, यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 6। अब देखो, अब जो आपका 1,3-bisphosphoglycerate जो ये बना है ना आपका 1,3-bisphosphoglycerate, देखो अब ये 1,3-bisphosphoglycerate फिर से रिएक्ट करता है किसके साथ में, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, वो आ गया फिर से काइनेज, याद है काइनेज जहाँ एटीपी से एडीपी वाला फंक्शन, तो काइनेज एंड कन्वर्ट इनटू 3-phosphoglycerate एंड रिलीज एटीपी मॉलिक्यूल, अभी बताया था काइनेज जहाँ होगा वहाँ एटीपी का नाम आएगा ही आएगा, 1,3-bisphosphoglycerate फिर से फॉस्फो ये वाला एंजाइम से, कौन सा वाला है, ये लिखा फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है, किससे रिएक्शन करते हैं, फॉस्फोग्लिसरो काइनेस से रिएक्शन करके और ऊर्जा भी बनाता है, 1,3-bisphosphoglycerate फॉस्फोग्लिसरेट से काइनेस से रिएक्शन करता है और 3-phosphoglycerate में बदल जाता है और एडीपी से एटीपी, अब ऊर्जा बनी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पहले बोला था काइनेस जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगा या तो ऊर्जा बनेगी या ऊर्जा टूटेगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी इसका एक स्क्रीनशॉट लो, 6 नंबर स्टेप का, जल्दी गाइस स्क्रीनशॉट ले लो एक। क्लियर हुआ? अब इसका आगे बढ़ता हूं मैं, इसमें देखो, अब जो 3-phosphoglycerate रिएक्ट करता है फिर से, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, म्यूटेस का मतलब म्यूटेशन, परिवर्तन कर देगा, म्यूटेस से रिएक्शन करता है एंड कन्वर्ट इनटू 2-phosphoglycerate। अब देखो यहाँ पे जो 3-phosphoglycerate था ये 2-phosphoglycerate में कन्वर्ट हुआ किसके प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, म्यूटेस के प्रेजेंस में, ठीक है, 3-phosphoglycerate फिर से फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस से क्रिया करके ये 2-phosphoglycerate में बदल जाता है, ये रहा 3-phosphoglycerate किससे क्रिया करी, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस से क्या हो गया, 2-phosphoglycerate में ये कन्वर्ट हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब स्टेप नंबर 8, आठवीं स्टेप पे मैं आता हूँ, अब आठवीं स्टेप में आपको क्या हो रहा है ये समझो। अब देखो जो 2-phosphoglycerate बना था, ये देखो यहाँ पे, ये जो 2-phosphoglycerate बना था ये फिर से इनोलेज नाम का एक एंजाइम होता है उससे क्रिया करके फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो 2-phosphoglycerate फिर से, ये रहा 2-phosphoglycerate फिर से, 2-phosphoglycerate फिर से इनोलेज एंजाइम से क्रिया करता है और यहाँ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाता है, ये रहा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाता है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर 9 वाली स्टेप पे बढ़ूंगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 9, अब क्या हुआ, अब ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इसके पहले बना था ये फिर से पाइरुवेट काइनेस, काइनेस से क्रिया करेगा और पाइरुवेट में बदल जाएगा, यहाँ पे आपकी एडीपी से एटीपी ऊर्जा का संचय होगा, ऊर्जा आपकी बनेगी, याद रखना फॉस्फोग्लिसरेट फिर से पाइरुवेट से क्रिया करके पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऊर्जा भी बनाता है, ऊर्जा भी उत्सर्जित करता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार साइकिल रिपीट करूँगा मैं, ठीक है। अब देख लो, फिर से पूरी साइकिल समझा देता हूँ। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किसकी उपस्थिति में बना, हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एटीपी से एडीपी बनी, यहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज उसकी जैसे बना दिया, आइसोमरेज फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-bisphosphoate बना किसकी उपस्थिति में, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज की उपस्थिति में, फिर जो फ्रक्टोज 1,6-bisphosphoate था इसको तोड़ दिया दो भागों में, किसने तोड़ा, एल्डोलेज ने तोड़ा, ग्लिसरेल्डिहाइड एसिड फॉस्फेट और डिहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, उसके बाद 1,6-bisphosphoate बना
बना, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना, 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के बाद पाइरुवेट बना। ये ओवरऑल फुल स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। देखो मेटाबॉलिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार समझोगे, मेरा वादा है। पूरी मेरी वीडियो एक बार और देख लो, समझ में ना ही हो तो स्क्रीनशॉट लिए ही है, कॉपी में नोट डाउन करो, 2-3 बार लिख के देखो, साइकिल बना के देखो, रटो मत भैया, 2-3 बार बना के देखो, माइंड में फिक्स होगा कहाँ कौन सा एंजाइम फिक्स हो रहा है, ये सारी चीज़ आपको माइंड में फिक्स हो जाएगी। पूरे नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश में दिए हैं यार। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की और वीडियो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देखो। आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, BPT किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, सारे नोट्स डले हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।